शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो पूजा, अगर तुम सोचो तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, और ना सोचो तो कुछ भी नहीं। वैसे बहुत हिम्मत की बात है कि तुमने ऐसा कदम उठाया। शायद अपने भाई भाभी के घर में ना रहकर तुमने अच्छा किया कि अपनी उलझनों को उनकी परेशानी नहीं बनाया। उलझने, दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ये सब तो जिंदगी में आता जाता रहता है, तो फिर क्यों ना एक लड़की इन सब का सामना करे और आगे बढ़े और अपनी तकदीर खुद बनाए। और देखो पूजा, कोई जरूरत नहीं है किसी से भी कहने की कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी या तुम्हारा रिश्ता टूटा था। तुम तो जानती हो कि लोग एक तलाकशुदा लड़की को किन नजरों से देखते हैं। वैसे जिस शहर में तुम आई हो, ये मुंबई, बॉम्बे शहर, यहां पर किसी को किसी की बीती हुई जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यहां लोग आते हैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। न जाने कब, कहां, किस मोड़ पर, किस राह पर कोई मसीहा मिल जाए। नेहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी दोस्त मिल जाएगी। अकेले मुझे बहुत मुश्किल होता नेहा, लेकिन अब तुम हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तो फिर कमर कस लो, तुम भी कोशिश करो और मैं भी पूरी ट्राई मारती हूं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ, हाय रब्बा, जो भी हो तुसी ग्रेट हो, डिजाइनर हो तो बिल्कुल ऐसा हो, तुसी जादूगर हो, मैजिशियन हो, क्या हो, क्या हो। नेहा सच कहती हूँ, रब दी सौ, तेरा जो बॉस है ना, डिजाइनर नंबर वन है, वन। देखना कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं, है ना, बिल्कुल पुई बावला जैसी। हाँ? है ना, और कहना पुई बावला कौन है। पुई बावला कौन है मालूम नहीं, पुई बावला हीरोइन नंबर वन है, वन। अच्छा अच्छा अच्छा। नेहा, बंटी गणत्र पुई बावला के कपड़े डिजाइन करता होगा ना, है ना। हाँ। करता ही होगा ना, हीरोइन जो है, है? उसे तो फुल टाइम देता होगा। बस यही बात उसकी मुझे पसंद नहीं है। लास्ट ईयर अवार्ड के फंक्शन में जो हीरोइन नंबर वन थी उसके कपड़े इसी ने बनाए थे। जब देखो हीरोइनों के कपड़े बनाता रहता है। हम सोसाइटी वाइज में कोई कमी है क्या? हाँ? हाँ, क्या रखा है इन फिल्म वालों में, है क्या इनके पास? प्लीज, क्यों है या? वो फिल्म वाले आ रहे, बुरा मान जाएंगे। कौन है? राज मल्होत्रा है ना, फिल्म स्टार। हाँ? हाँ? उनका स्टाफ है। क्या नया जी? आदाब। हमारे हीरो के ड्रेसेस तैयार हैं। बबन मियां, मैं आप ही की राह देख रही थी, आपके हीरो के गाने के सारे कॉस्ट्यूम रेडी हैं। हाय रब्बा मेरे, एक गाने के वास्ते इतने सारे कॉस्ट्यूम, डोंट टच मी। लगता है चार के पीछे कपड़े बदलते होंगे ना। दे सो लाउड, खाना पीना उठना बैठना, एवरीथिंग इज सो लाउड। अब देख लो, एक हीरो के लिए इतने बड़े स्टाफ की क्या जरूरत है, सब दिखावा है, दिखावा दिखावा। आहिस्ते आहिस्ते, ये कलेजा फटको, भड़ से बाहर आ जाएगा। ये कौन है बिना लगाम की कनीज, क्या है? Who is this loud mouth? आई आई, हाँ, कौन है ये कापड़, मैं मारेगी इसको जोर से एक झाप। नहीं नहीं नहीं, ये मिसेस चना सिंह है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर घना सिंह की बीवी। बीवी? बीवी ऐसी होती? क्या हुआ इनकी मियाँ की अकल को, इतना बड़ा सांप जिंदा निकल गए। उनको बोलो इनको बुरखा पहनाओ, जिसने इन पे नजर डाली उस बेचारे ने अपनी जिंदगी खबर में डाली। तो मैडम लोगों को डर लग रहा है, क्या है ये? What is he saying?
क्या बोल रहा है ये? अरे चुप, ये बूढ़ी गोड़े लाल लगाम, ये लाल हरा पीला नीला टेक्निकल मेकअप लगा के तू हमारे हीरो का कपड़ा गिनती, हमारे हीरो का इंसल्ट करती, नन्ने तन्ने कुर्ता रूनी ना पाई ना पू ना पे। Shut up! I don't believe this. Hey, what don't you believe, Ray? वो चपट चपट करती है ना ये फैट्सो? हाँ, तेरे को चार दिन का बासी खाना खिलाऊंगी ना, टॉयलेट पे पॉटी में बैठकर बम्बार्डिंग करती रहेगी। अरे यो अभी से बास मारती। बम्बार्डिंग? Oh my God, नेहा। Yes. गना सिंह की बीवी चना सिंह का इतना बड़ा इंसल्ट। I'm sorry, ma'am. I will fix you. चल चल पतली गली दीवार पकड़ के निकल जाने तो को गीला कचरा ऊपर से फेंकेगा। चल चल यू सफेद लिबास के बूढ़े खूसर। Shut up. बूढ़े खूसर? ट्राई मारती क्या बोल रही थे? नेहा, these guys are HS. I'm LS. No, they are LS. I'm HS. Yes. I'm leaving. Oh, please. Go away. Yeah, go. Oh my God. I will fix you. I will complain to Raj Malhotra. निकाल दूँगी तुम लोगों को नौकरी से। पति का नाम गन्ना, इसका नाम चन्ना। चलो बस बस, मारिया चीनी, मजाक बहुत हो गया। नेहा जी, हमारे हीरो जी के कपड़े तैयार हैं। कपड़े तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आज मुझे आप लोगों से एक काम है। हमसे? फरमाइए। वो 10 दिन पहले आपने मुझे हीरो जी की सेक्रेटरी का जॉब ऑफर किया था ना, आप तो जानते हैं मैं कभी इनकार ना करती, लेकिन मैं पंडित जी की नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ ना। ओह यार, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी है, बहुत काबिल और बहुत भरोसेमंद। अगर आप चाहें तो मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ, हो सके तो उसे नौकरी दे सके तो। आप उसको शूटिंग पे भेज दो, उसका काम हो जाएगा। अच्छा, उसे नौकरी मिल जाएगी? नेहा जी, इंसान को परखने की निगाह रखते हैं हम, इसीलिए हमने आपको कुछ समझकर वो नौकरी ऑफर की थी। अब आप किसी और की सिफारिश कर रही तो उसमें भी कोई बात होगी, इसलिए हम वादा करते हैं कि हम तीनों मिलकर उसको वो नौकरी यूं दिला देंगे। करेक्ट? डन। क्या कह रही हो नेहा, ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? पर पूजा, इसमें बुराई क्या है? फिल्म और मैं? लेकिन मैं फिल्म्स और फिल्मों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती नेहा। पूजा, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ये तो तुम पर है ना कि तुम खुद को किस तरह संभालो। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दे आर रियली नाइस पीपल। मुझे लगता है यहां तुम्हारा काम बन जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारे होने वाले बॉस का, उनका स्टाफ उन्हें प्यार से हीरो जी कहता है। He's such a great star. बहुत अच्छे आदमी है। इस तड़क भड़क तेज रफ्तार की दुनिया में भी उनके पैर जमीन पर हैं। तभी तो शायद इतने लोगों की जान है वो। क्या नाम बताया उस फिल्म स्टार का? राज, राज मल्होत्रा। उतारो, जल्दी उतारो यार, आई हेट मेकअप। उतारती जी, उतारती। हीरो जी, थोड़ा सा पेशेंस रखेगी? पेशेंस? फ्रूट्स, फ्रूट्स खा लो हीरो जी। घर से खाना नहीं आया? कोई चिकन विकन? नो चिकन विकन, यू हैव टू बी फिट। कितना कंपटीशन है, पुराना सब हीरो को देखो, धर्मेंद्र हमारा फेवरेट, जितेंद्र 40 साल फिट रहा यही फ्रूट्स खाकर। कम ऑन कम ऑन, यू हैव टू हैव। साथ में उसका स्टाफ भी 40 साल फिट ना जी। Yes. अच्छा बातें बंद करो, बबन मियां को बोलो गाड़ी निकाले। गाड़ी तो तैयार है हीरो जी, मगर जाना कहाँ है, आना कहाँ है, फिर आना कहाँ, जाना कहाँ, ये सब प्रोग्राम, स्केड्यूल, मुसीबत, सेक्रेटरी साहब छोड़ गए, उसके बारे में क्या सोचा हीरो जी? ये जब सेक्रेटरी प्रोड्यूसर बन जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोई जिम्मेदार आदमी कहाँ से ढूंढे? आयो, कोई आड़ा तड़ा आदमी नहीं रखने का जी। नहीं रखने का? ये हमारा हीरो जी इतना सीधा, इतना स्ट्रेट, वो तो इसको नोच के कहा जाएगा ना जी। तो आदमी कहाँ से ढूंढू मैं? औरत भी तो हो सकता है ना हीरो जी। औरत? ये काम औरत संभाल सकती है? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। काय को हीरो जी, जब मारी आपका कपड़ा, आपका खाना, आपका उठना बैठना, आपका घर सब संभाल सकता है, तो फिर लड़की आपका डेट, स्केड्यूल, अकाउंट्स, ये सब कैसे नहीं देख सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल हीरो जी, पॉसिबल। अगर कोई भरोसेमंद जिम्मेदार लड़की मिल जाए तो I don't mind, लेकिन ढूंढू कहां से उसको? हमने ढूंढा। आप लोगों ने ढूंढ भी लिया? कौन है वो? पूजा, मिस पूजा। कहां है वो? एक मिनट, पूजा प्लीज कम इन।
हेलो सर। हीरो जी, ये है पूजा जी, नेहा जी है ना अपना डिजाइनर बंटी जी का असिस्टेंट, उन्होंने भेजा है। She's just perfect for the job। आयो, ये फ्रेंच में काय को बात करने का, तमिल में बात करने का। हीरो जी रंबा गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। यस हीरो जी, आप इनका इंटरव्यू लेके देखो, ओके? गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड लक। बेस्ट ऑफ लक माय गर्ल। अच्छा तो आप सर, मैं पहले कह देना चाहती हूँ, आई थिंक आई एम अनक्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। मैं फिल्म लाइन के बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर आप ये जॉब कैसे हैंडल करेंगी? आई डोंट नो, पता नहीं। नेहा और आपके इन लोगों ने कहा कि आपसे मिलने, तो मैं यहाँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या जानती हैं? आई हैव सम मैनेजमेंट स्किल्स, मुझे कंप्यूटर आता है, अकाउंटिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में मैं काफी जानती हूँ, बस बस। अरे इतना तो बहुत कुछ है, जितनी नॉलेज आपको है इस काम के लिए इतना काफी है। यूं समझ लीजिए कि नौकरी पक्की। जी जी, जब हमारे स्टाफ ने कह दिया कि आप सही हैं, यानी कि आप सही हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप एक बात बताइए कि आपका मुंह मीठा कैसे किया जाए। मिठाई से, मिठाई से। ये लो हीरो जी, पूजा जी का मुंह मीठा करो। अरे वाह, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खाओ। हाँ, टुकड़ेबाजी नहीं, पूरा उठाइए। पूरा। थैंक यू सर। अरे भाई, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये सब कुछ खाने को मिलता है। ताना नहीं हीरो जी, ताना नहीं। पूजा जी का आने का खुशी में दो लड्डू खा लो। ओके। दो नहीं, दो नहीं, एक काम करो, पूरा डब्बा खाओ। थैंक यू, प्लीज इसे गाड़ी में रख दीजिए। अच्छा तो कल से आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। ओके यस सर। गुड लक। गुड मॉर्निंग प्रोड्यूसर साहब, डोंट वरी, हमारे हीरो जी ने नया सेक्रेटरी रख लिया और वो एनी टाइम आता ही होगा। जीसस क्राइस्ट, हमारा पूजा आ गया, अब सब गड़बड़ अच्छा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मारिया। एवरीबॉडी लिसन प्लीज, आइए आइए आइए, ये है पूजा जी, राज जी का नया सेक्रेटरी। अभी जो भी पूछने का इनसे पूछने का, ओके? हैप्पी। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? नमस्ते, हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते। क्या कर रहे हो बबन मियां, 2 बजे की शिफ्ट और सुबह सुबह उठा दिया। मालूम है, मगर शूटिंग के अलावा इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो खुद करना पड़ते हैं। ये इतना बड़ा घर है, नीचे इतने सारे लोग हैं, उनको कौन संभालेगा? और तुम्हारा तो कोई है भी नहीं बाबा। अरे तो फिर आप लोग किस खेत की मूलियां हैं? हाँ, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो ये मूलियां नहीं कर सकती, उसको खाली ये पेड़ ही कर सकता है। और एक काम तो सचमुच ऐसा है हीरो जी, जिसको सिर्फ आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। जैसे कि? जैसे कि कागजों पे दस्तखत करना, चेक फाड़ना, ये काम कौन करेगा? अब मियां ये आप ही कर लो ना। नको बाबा, कसम खुदा की दुनिया पे इतना भरोसा मत करो, दुनिया बहुत खराब है। ये होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अब मेरे डायलॉग मुझे ही मारने दो ना। आओ मारो। अब मैं नहाने जाऊं क्या? आओ जाओ, मगर जल्दी आओ। आ रही हूं। और आके देखो कि सारी दुनिया कैसे दिल लगाव को आपका इंतजार कर रही है। गुम मियां, आप तो कह रहे थे बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ तो एक आदमी मौजूद नहीं है। हाँ, बहुत जने थे, मेरे को लगता मारिया उनकी चाय में शक्कर की जगह नमक घोल को पिला दी तो प्रोड्यूसर बेचारे भाग गए। हाँ मारिया, मारिया। वो गलती मारिया। At your service, sir. अब आप उड़ना बंद करेंगी? बबन मियां कह रहे थे कुछ प्रोड्यूसर हमें मिलने आए थे, कहाँ गए वो, कहाँ गायब हो गए? जादू मंत्र, जादू मंत्र, जादू की पुड़िया नाम की गुड़िया ने करिश्मा कर डाला, सब वेजिटेबल्स को काट के पतीली में ऐसा घुमाया कि सब अफलातून बन गया। सारे डायलॉग आप लोग बोलोगे तो मैं कब क्या बोलूंगा। साफ साफ बता हुआ क्या है। पूजा जी, पूजा जी,
वंडर गर्ल सब प्रोड्यूसर्स को जेट स्पीड में ऐसा हैंडल किया कि हम तक नहीं रह गया बबन अब शॉक बबन तो खुदा की कसम मेरी आंखें कभी धोखा खा ही नहीं सकती बेगान ये लड़की एकदम सही है हीरो जी अच्छा जी हाँ जी कहाँ है आपकी पूजा जी वो मैं ये टिक 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 टू मतलब कंप्यूटर पे काम हो गया हो रहा है सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर वो डेट्स जो मेस में थी वो सारे एडजस्ट कर दिए गए शूटिंग के अगेंस्ट जो पैसे मिले हैं उनकी अकाउंट्स कंप्यूटर में फीड कर दिए गए वेरी गुड डायरेक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स और डिस्कशंस लंच ब्रेक में फिक्स कर दिए गए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो बस अब आपको कुछ अग्रीमेंट्स पढ़कर साइन करना है ओके सारे काम हो गए हैं जी और कोई काम बचा नहीं जी नहीं तो आपको महीने में 30 दिन आने की क्या जरूरत है आप एक ही दिन आइए एक दिन हाँ आज तारीख क्या है आज 1 तारीख तो आप एक काम कीजिए आप और मैं अगले महीने के 1 तारीख को मिलते हैं आपका पैकअप जी जी आप जाइए जी क्या बोलता हीरो जी क्या बोलता सारी खुशियों का बैंड बचा दिया पूजा जी अपना इंटेलिजेंट दिमाग से इतनी जल्दी इतना अच्छा काम किया और अब तारीफ ही नहीं कर रहे अच्छा भला मेकअप पे डामर लगा दिया जे इट्स नॉट फेयर हीरो जी दूध का दही बना दिया देखो इन्होंने पूरे महीने का काम एक दिन में कर दिया तो बाकी के 29 दिन क्या करेंगी ये क्या करेंगी और हाँ पूजा आपने एक दिन का काम किया आपको सैलरी यानी कि तनख्वाह भी एक ही दिन की मिलेगी गुडनेस का तो जमाने ही नहीं रहा यही काम पिछला सेक्रेटरी 30 दिन का काम डबल 60 डेज में करता था उसका सैलरी हीरो जी बड़ा बड़ा कर देता था इसीलिए वो प्रोड्यूसर बन गया ना जे जी इशू और पूजा जी ने इतनी जल्दी सारा काम कर दिया और आपको कदर ही नहीं अब हम किधर जाकर अपना सर फोड़ेगा सॉरी पूजा जी सॉरी सॉरी सर अच्छा नहीं It's not fair, sir. अच्छा नहीं अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ I'm just joking. और तुम लोग सर फोड़ने की बात कर रहे हो Idiots. Stupid. Thank you. Thank you. अब तक कहां थी तुम हाँ कहां थी तुम दाद देता हूं तुम लोगों की नजर की कमाल है अच्छा एक बात बताओ कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तुम्हारी इस पूजा जी का 20 साल 25 साल लाइफ टाइम का हमेशा का कॉन्ट्रैक्ट बनाना जी ऐसा काम कोई सेक्रेटरी थोड़ा करती ऐसा काम बीवी करती वाइफ करती मेट फॉर ईच अदर करती एक दूसरे के लिए करती आया हूँ मैं कुछ गलत बोले व्हाट मैन हमेशा गलत डायलॉग बोलता तुम मैं क्या बोले वाह राव सिली बॉय हम तुमको सब पता था एक्सक्यूज मी सर स्टुपिड बॉय तुमको अक्ल है कि नहीं वाह राव तुमको ठीक करता वैसे इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिएगा मैं जिंदगी में अकेला हूं ना इसलिए हर वक्त खिचड़ी पकाते रहते हैं दिल के बुरे नहीं है वैसे एक दिन में आपने मेरी सारी बात संभाल ली आई एम इम्प्रेस्ड जानती हो कुछ दिनों से मैं काफी उलझन में था क्या सही है क्या गलत है पता नहीं लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा आप काम कीजिए करते रहिए काम पूजा जी कोई बात का बुरा मत मानना अब आप आ गया है लगता है बहुत मजा आएगा काम भी अच्छा आएगा दिन हंसते हंसते गुजरेंगे और सीजंस
मौसम बदलते वक्त ही नहीं लगेगा। God bless my child.